खानका डोगरा से खबर शामिल करेंगे। खानका डोगरा में मुहर्रम उल हराम में अमन अमान को कायम रखने के लिए अमन कमेटी का खुसूसी इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में मुख्तलिफ मकातबे फिगर के लोगों ने शिरकत की। देखते हैं खानका डोगरा से मुदस्सर अली भट्टी की रिपोर्ट में। खानका डोगरा में अशरा मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में SDPO सदराबाद सैयद गुलाम मुस्तफा गलानी की ज़ेर सदारत अमन कमेटी का एक अहम इजलास हुआ, जिसमें तमाम मकतबा फिक्र के लोगों के उलमा कराम, सियासी रहनुमा, अजमन ताजरान के नुमाइंदे और मुख्तलिफ मजहबी रहनुमाओं ने शिरकत की। सैयद गुलाम मुस्तफा गलानी ने इस मौका पर खिताब करते हुए कहा, गवर्नमेंट ने इस दफा एक तरीके कार कड़े है कि मुंतजिम के खिलाफ कार्रवाई की जाए, जरा उन्होंने बुलाया है, चाहे वह बैन शुदा नहीं है, लेकिन अगर फिरकावारीयत वाली गल करता है, मजहबी मुनाफरत फैलाने वाली गल करता है, तो उस मुंतजिम के खिलाफ जी कार्रवाई होगी। के अमन कमेटी अशरा मुहर्रम अल हराम में अपने मुस्बत किरदार अदा करने के लिए सारा दिन जुलूस के सदात मौजूद रहे। इंतजामिया भी तमाम वसाइल बरकार लाएगी। रूट और वक्त की पाबंदी हर सूरत यकीनी बनाई जाएगी। जिन उलमा पर पाबंदी लगाई गई है उसे किसी सूरत में प्रोग्राम नहीं कराने की इजाज़त दी जाएगी। मजहबी मुनाफरत फैलाने की सूरत में मस्जिद या जुलूस की इंतजामिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। दाफी नफरी के साथ साथ रेंजर की खिदमत भी हासिल की जाएगी। अजलास के आखिर में मुल्क की सलामती और अशरा मुहर्रम में अमन के लिए दुआए खैर भी की गई। मुदस्सर अली भट्टी, दी न्यूज़, खानका डोगरा।